आप आए बहार आई, आप आए बहार आई, महफिल में खुशियों की बौछार आई। वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट आउट हेयर। दिस इज योर होस्ट अलीशा भाटिया एंड इट इज़ माई इमेंस प्लेजर टू वेलकम यू ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट आउट हेयर टू दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लवली इवनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मयूर स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फ्रॉम मिस्टर मयूर चौधरी। सो आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन गाइज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मयूर सर और मयूर स्कूल ऑफ म्यूजिक के लिए। मौसम इतना अच्छा नहीं था कल, जिस तरह से हमें लग रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा कैसे होगा, इसलिए टाइम बदला और माहौल भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। फिर भी आप लोग जो है कोशिश करके पहुंचे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से गाएं, एंजॉय करें। करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट नेम मिस्टर सुशांत रॉय। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं, तुम अगर हम कदम बनके चलते रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी, उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर, यूं मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा यूं कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मैं
महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से, महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है इस अजनबी से। ये मैंने फर्स्ट टाइम गाया, इतने दिनों से गैदरिंग हो रही है ना, मैंने अपनी बहन को डेडिकेट किया है एक्चुअली। हाय, मेरा नाम प्रीति है, प्रीति शंकर, मैं न्यू जर्सी से आई हूँ, हमने इनको राखी बांधा है। सो ही इज माय वेरी डियर ब्रदर। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लाने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा, कैसे पहचान के नाम नहीं जान, कैसे पहचान के नाम नहीं जान, किसे ढूंढे मेरे अरमान हो, महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठी तू किस लिए अकेली, जिस पे ये खुदा ये दिल हो गया कहीं दूर, जब दिन ढल जाए कान की दुल्हन बदन घुराए कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, मौत से tuning to Radio City 91.1 FM and coming up to the next track from the movie Kabhi Haan and Kabhi Na. Phir bhi teri har ek ada pe pyar aaya, aaja aaja ab kaisa sharmana, dheere dheere se dil ko churana, चोट है ये भूल की ना, चोट है ये भूल की ना, है फलिश ये हार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की,
बहार की पाल की बहार की। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हो अमीर है। मिले जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है। बड़े बेवफा हैं ये दीवानों से, मत पूछो दीवानों में ही अमेजिंग था ये। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों को एक साथ देखकर, और एक से एक कोहिनूर सब आए हुए थे। क्या गाने गाए सब ने, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जी के। हाँ, तो बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा, बहुत ही था। ये मेरा फर्स्ट टाइम स्टेज था, इससे पहले मैं कभी स्टेज पे दो शब्द बोलने के लिए भी नहीं चढ़ा हूँ तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सब लोगों को देखते हुए हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एफर्ट है आप लोगों का। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मयूर सर का, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है इससे थोड़ा सा बढ़ेगा। और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई हैव नो वर्ड्स टू पे थैंक्स फॉर मिस्टर मयूर चौधरी। इज अवेलेबल दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, ताकि हम जैसे मतलब नवोदित कलाकार अपने मतलब गाने गा सकें, अपनी भड़ास निकाल सकें, क्योंकि हम वो भी नहीं हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो लोग स्टेज पर गाते हैं और इसी से ही कमाई का जरिया उन लोगों ने बनाया हुआ है। और लेकिन उसके बाद भी गाने की जो जितने भी सिंगर लोग हैं, जितने भी हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं लोग, मैं समझता हूँ कि सब में एक आग है, गाने की आग है, और उस आग को यदि ठंडा कर रहे हैं आप, तो देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं सर। मयूर सर को देखने की रूबरू बहुत तमन्ना थी आज पूरी हुई। आप जैसा गुरु बड़ी किस्मत से मिलता है, जो घर बैठे सिखा देता है। भाई यही कहना चाहूँगा, अब की मेरी तमन्ना पूरी हुई, बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर, और चाहूँगा कि हर बार आऊँ यहाँ पर और नया एक्सपीरियंस हो। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सर मयूर सर। इनके वीडियो देख के मैं गिटार भी सीख गया, गाना भी सीख गया, हर चीज़ सीख गया हूँ मैं। लेकिन क्या है, मैं जॉब भी करता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है कि सिंगिंग टाइम दिखाना, लेकिन मेरा जुनून है कि एक दिन मैं अच्छा गाऊँ, क्योंकि ऐसे गा लेते हैं तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब स्टेज में गाते बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि अपना स्टेज का एक्सपीरियंस लूँ, तो आगे जाके मैं। ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को, तो ये हर महीने होना चाहिए, और मैं आपके साथ वादा कि हर महीने जुड़ूंगा आपसे। दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेज शो। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इस सर को, देख रहा था कि कहाँ पे होता है, कैसे होता है। मैंने कॉल भी किया था, तो लास्ट टाइम सर मुंबई था, तो वहाँ तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है कि लोग अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं इस गाने से ना। मैं फिर एक बार मयूर जी को धन्यवाद दूंगा। ये बहुत धनी इंसान इसीलिए है, जब प्रोफेशनल सिंगर आता है तो हज़ारों आदमी जरूर होता है, वो सारे गाने के लिए नहीं आते हैं, कोई भीड़ जमाने के लिए, कोई डांस करने के लिए, खाना खाने के लिए, कोई गाना सुनने के लिए, लेकिन यहाँ जो आता है सिर्फ गाने के लिए आता है।
तो यहाँ 50 के सामने गाना, बाहर 5000 आदमी के सामने गाना बराबर है। और मैं इनके लिए इसीलिए धन्यवाद दूंगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, अगर सबके ऊपर इनका हाथ रहे, कुछ ना हो, किसी को गाना गा के खुश तो जरूर कर सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ही ऑर्गेनाइज करते रहिए, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हर चीज़ से मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन। तो ऐसा ही प्रोग्राम होते रहे, आपके छत्र छाया में एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे सिंगर बन सकता है। जिसके दिल में थोड़ा तमन्ना है कि गाना गाने का, आज मैं भी 52 साल का है, कभी सोचा भी नहीं था कि गाना गाएंगे, लेकिन किसी बहाने में आपके सामने आ गया। तो ऐसा बहुत सारे आदमी है जिसका दिल में तमन्ना है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़